Hey everyone, here's a quick editorial of LeetCode Contest 379. तो आज थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव टू गो आउटसाइड. तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट डायगनल रेक्टेंगल, ठीक है. तो मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम्स है क्या याली. तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस ये है कि तो मैं काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स गिवन होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स, उनकी तुम्हें लेंथ गिवन होगी, तुम्हें विड्थ गिवन होगी, ठीक है. इन सब में की कुछ ना कुछ डायगनल होगी, और वो डायगनल क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, ठीक है. लेंथ ऑफ विड्थ एल स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है. ये किससे, पाइथागोरस थ्योरम से. मतलब तुम ये देखो, ये तुम्हारी अगर लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, तो ये डायगनल क्या हुई, तो ये कितनी होती है, एल स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, ठीक है. अब तुम्हें चाहिए जिसकी मैक्सिमम डायगनल होगी ना, जिस भी रेक्टेंगल की मैक्सिमम डायगनल होगी, तुम्हें उसका एरिया रिटर्न करना है. और ऐसे हो सकते हैं कि काफ़ी सारे रेक्टेंगल जिनकी सेम डायगनल हो, तो उस केस में तुम्हें कौन सा रिटर्न करना है एरिया, जिसका जो मैक्सिमम हो बेसिकली, ठीक है. उस केस में मतलब अगर दोनों की डायगनल सेम है, तो जो मैक्सिमम एरिया जिस केस में आ रहा होगा, वो रिटर्न करना होगा. तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस मतलब तुम क्या करते चलोगे कि तुम मैक्सिमम डायगनल निकाल लोगे, और तुम मैक्सिमम डायगनल निकाल के सिंपल चेक करोगे जिसका मतलब जिसकी भी ये डायगनल होगी, जिस भी रेक्टेंगल की. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डायगनल, उसके बाद तुम सारे रेक्टेंगल्स पे जाओगे और चेक करोगे जिसकी मैक्सिमम डायगनल होगी, उसका तुम एरिया मैक्सिमाइज कर दोगे, उसको रिटर्न कर दोगे. एरिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एरिया कॉमा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है. इसका कोड देख लेते हैं एक बार, इजी है काफ़ी. तो मैंने इनिशियली ले लिया कि मतलब समझ लो जो एरिया है वो ज़ीरो है, ठीक है, मैक्सिमम एरिया, और डायगनल जो है उसकी लेंथ क्या है, ज़ीरो. तो सब पे जाओ और तुम चेक करो कि क्या इसकी डायगनल जो है वो मैक्सिमम है. अगर इसकी डायगनल मैक्सिमम है, तो तुम्हें डायगनल को की वैल्यू ये रख देनी होगी, और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आई ज़ीरो इंटू ए आई वन. ए आई ज़ीरो क्या है, लेंथ और विड्थ है वो, बस और कुछ भी नहीं है. और else if अगर ये हो जाता है तुम्हारा कि ये जो तुम डायगनल चेक कर रहे हो, ठीक है, ये अभी तुम्हारी जितनी तुमने पहले मैक्सिमम डायगनल निकाली थी उसके बराबर आ रही है, तो तुम्हें उस केस में क्या करना है कि एरिया मैक्सिमाइज करना है. तो आंसर इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ ए आई ज़ीरो इंटू ए आई वन, ठीक है. तो ये है. अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे. मिनिमम मूव्स टू कैप्चर द क्वीन, ठीक है. ये थोड़ा केस वर्क वाला क्वेश्चन था, मैं समझा देता हूँ. क्वेश्चन है क्या, तो तुम्हें है ना एक चेस बोर्ड गिवन है 8x8 का, ठीक है, क्या चेस, और तुम्हें तीन पोजीशंस दे रखी हैं, तीन पोजीशंस दे रखी हैं, ठीक है. एक पे तुम्हें दे रखा है रुक, एक पे तुम्हें दे रखा है बिशप, एक पे तुम्हें दे रखी है क्वीन, ठीक है. ये ब्लैक कलर का है रुक जो है, और ये बिशप भी ब्लैक है, और ये जो है वाइट कलर की है, ठीक है. तो इन दोनों को क्या करना है, इसको पकड़ना है बेसिकली, ठीक है, इसको कैप्चर करना है रुक और बिशप. बिशप को क्या करना है, इसको कैप्चर करना है क्वीन को, ठीक है. तो और हमें बताना है कि कितने मिनिमम मूव्स में ये कैप्चर कर सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रुक है वो तुम्हें पता है डायगनली चल, सॉरी रुक नहीं, जो बिशप है तुम्हारा वो कैसे चलता है, डायगनली चलता है, ठीक है. और जो तुम्हारा रुक है वो कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है. तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे तुम्हारा यहाँ पे समझ लो बिशप है, और यहाँ पे रोक है, और यहाँ पे क्वीन है, तो बिशप तुम बोल दो कि यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा. बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, बीच में आ जाएगा तुम्हारा ये रोक आ जाएगा, रोक आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारा जो बिशप है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो तुम्हें ये वाली चीज़ जो है वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है. तो
क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही, प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, कितने मिनिमम मूव्स में तुम कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो एक चीज सोचो कि अगर मेरे मैक्सिमम मूव्स कितने लग सकते हैं, पहले तो ये वाली चीज है, मैक्सिमम मूव्स कितने लग सकते हैं। जो मेरे मैक्सिमम मूव्स लगेंगे ना, वो हमेशा लगेंगे मेरा टू, टू से ज़्यादा लग ही नहीं सकते मैक्सिमम मूव्स। क्यों? अगर सोचो यहाँ पे कहीं पे रूक है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे क्वीन है, तो वो एक ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली देन वर्टिकली। तो आंसर इस वाले केस में अपना कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, अगर सोचो कोई बोलता है कि यार यहाँ पे बिशप बैठा हुआ है, तो अगर बिशप बैठा हुआ है तो रूक डायरेक्ट कैप इस तरीके से जा नहीं सकता, ठीक है, तो वो किस तरीके से चले जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ पे चले जाएगा। तो हर बार तुम्हारा मैक्सिमम आंसर जो होगा ना, वो टू होगा, टू से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जितना समझ आया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं कि हो सकता है कि ये तुम्हारा अगर सेम पोजीशन पे हो, कोई भी दो, लाइक रूक और क्वीन सेम पोजीशन पे हो, पता नहीं मेरे को कंस्ट्रेंट्स में ऐसा गिवन है कि नहीं है, मैं बस सारे के सारे टेस्ट केसेस, एच केसेस लेके चल रहा हूँ, या फिर तुम्हारा बिशप और क्वीन सेम पोजीशन पे हो, तो तुम्हारा आंसर कितना होना चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो मूव्स में ही कैच कर लेगा उन्हें। ठीक है, और तुम्हारा तुम्हें चेक करना है कि मैक्सिमम टू है, टू में तो कैच कर ही लेगा, अगर सेम पोजीशन पे हैं तो ज़ीरो। अब तुम्हें चेक करना है कि वन वाली कंडीशन कौन सी होगी। ठीक है, बस तुम्हें सिंपली चेक करना है कि वन मूव में कब कैच कर सकते हैं। तो तुम खुद देखो कि जो तुम्हारा रूक है, ठीक है, ये तुम्हारा रूक है और ये तुम्हारी क्वीन है, क्या मैं कह सकता हूँ कि रूक क्वीन को तब कैच कर सकता है अगर इफ दे आर इन सेम रो और इफ दे आर इन सेम कॉलम। ठीक है, यहाँ पे कैच कर लेगा यहाँ पे, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, इसके बीच में क्या होना चाहिए, बिशप नहीं आना चाहिए, बिशप नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे क्वीन, और इसके बीच में बिशप नहीं आना चाहिए, बिशप नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी कंडीशन होनी चाहिए एक मूव के लिए। दूसरा तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम्हारा वो है बिशप है, वो तुम्हारा ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मतलब वर्टिकली, सॉरी डायगनली मूव कर सकता है ना, तो यहाँ पे क्वीन अगर हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो ये कैच कर सकता है, कंडीशन ये है यहाँ पे रोक ना हो बीच में। ठीक है, अब ये एक सिंपल सी चीज़ है कि ये कैसे चेक करेंगे, अगर दोनों का रो नंबर इक्विवेलेंट हो, क्वीन और रुक का, और सिमिलरली जो क्वीन और रुक का अगर वो कॉलम नंबर जो है वो सेम होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइक जो रूक है वो कैच कर सकता है क्वीन को, बस हमें चेक करना पड़ेगा बीच में बिशप ना आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अब हम चेक कैसे करते हैं कि जो दो वैल्यूज़ हैं, मतलब बिशप और क्वीन, बेसिकली हम चेक कैसे कर सकते हैं कि वो सेम डायगनल पे हैं कि नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल सी होती है कि सोचो अगर तुम इस वाली डायरेक्शन की डायगनल देख रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा आई भी बढ़ रहा है, और तुम्हारा ये क्या है कि जे भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आई जे है, यहाँ पे कितना होगा आई प्लस वन जे प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा आई प्लस टू जे प्लस टू। तो तुम ये चेक कर सकते हो कि जे और आई का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जे माइनस आई क्या है, जीरो, मतलब जे माइनस आई की कुछ वैल्यू है, जीरो वन टू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जे प्लस वन माइनस आई प्लस वन कितना हो जाएगा, जे माइनस आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे प्लस टू और आई प्लस टू में दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, जे माइनस आई। और एक इस वाली डायगनल की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आई कॉमा जे, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, आई बढ़ा जे कम हुआ,
यहाँ पे हुआ i प्लस टू जे माइनस टू। तो यहाँ पे तुम देखोगे i प्लस जे का जो सम है ना, i प्लस जे का जो सम है, i प्लस जे का सम कांस्टेंट है, का सम कांस्टेंट। तो तुम्हारा अगर i प्लस जे का सम कांस्टेंट हो या i माइनस जे का सम कांस्टेंट हो, तो का सम मतलब जो जिनका आई मतलब समझ लो कि जैसे जितने भी आई प्लस जे वाले होंगे ना एलिमेंट्स, वो सारे सेम डायगनल पे आते होंगे। जितने भी आई माइनस जे वाले हैं वो सारे सेम डायगनल पे आते होंगे, जिनका भी डिफरेंस बराबर है, ठीक है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि ये सेम कोई भी जो हमारा मतलब कोई भी दो, अगर हम क्वीन को कंसिडर कर रहे हैं, बिशप को चेक कंसिडर कर रहे हैं, तो हम चेक कर सकते हैं इफ दे आर ऑन सेम डायगनल और नॉट, ठीक है। तो अब इसके कोड पे डायरेक्ट मूव कर जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें पोजीशन दे रखी है ए बी सी डी ई एफ। ए बी जो है रोक की है और सी डी जो है बिशप, ई एफ क्वीन। तो सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि अगर सेम पोजीशन पे हैं, मतलब इसमें शायद हो सकता है, ठीक है, अगर सेम पोजीशन पे हैं मतलब रोक या फिर क्वीन या फिर बिशप या फिर क्वीन, रिटर्न कर दो सीधा ज़ीरो। फिर हम चेक कर रहे हैं वन वाली कंडीशन, ठीक है, एक मूव में अगर काम हो सकता है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारा जो समझ लो रोक वाली कंडीशन, ये रोक वाली है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो रोक है वो क्वीन वाली, जहाँ पे क्वीन है उस वाली सेम रो पे है, और तुम्हारा लेकिन बीच में बिशप भी आ रहा है, तो अगर बिशप बीच में आ रहा होगा तो तुम्हें क्या करना चेक करना है कि जो बिशप है वो उन दोनों के बीच में ना हो, ठीक है, जो तुम्हारा रोक और तुम्हारी क्वीन है, तो उसका जो कॉलम नंबर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन जो तुम्हारा रोक का और तुम्हारा जो क्वीन का कॉलम नंबर होगा, या फिर उससे ज़्यादा हो या फिर उससे कम हो। मतलब कि ये देख सकते हो, अगर ये तुम्हारा रोक है ये क्वीन है, तो बिशप यहाँ हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ना हो। तो इस वाली कंडीशन को चेक कर लिया हमने, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर दो वन, और अगर ये सेम उसमें है ही नहीं, मतलब सेम रो में है ही नहीं, तो सीधा रिटर्न कर दो वन, मतलब फिर तो तुम्हें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि वो बीच में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली फॉर कॉलम, ये कॉलम के लिए हमने कंडीशन लगा दी रोक के लिए, अब ये हम डायगनल के लिए चेक कर रहे हैं बिशप के लिए, कि अगर मतलब जो बिशप है और जो क्वीन है अगर सेम डायगनल पे है, अब इसमें चेक कर रहे हैं कि रूक भी सेम डायगनल पे आ रहे हैं, अगर सेम डायगनल पे है तो हमें चेक करना पड़ेगा वो बीच में नहीं आ रहा हो, तो ये बीच को चेक करने की कंडीशन हो गई, या तो जो उसका रो नंबर है वो सबसे ज़्यादा हो या सबसे कम हो तो बीच में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब उन दोनों से ज़्यादा या फिर कम। सिमिलरली हमने दूसरे डायगनल के लिए चेक कर लिया, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो रिटर्न कर दो वन, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती है एंड तक, तो तुम कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से जीरो और वन मूव्स में, तो एंड में रिटर्न कर देना है टू, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन ही हालांकि, लेकिन काफ़ी केस वर्क था इसमें, ठीक है। अब ये है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी थी, तो एक बार देख लो तुम, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि तुम्हें है ना दो एरे गिवन है, समझ लो ए और बी, तुम्हें ए में से एन बाई टू एलिमेंट रिमूव करने हैं, बी में से भी एन बाई टू रिमूव करने हैं, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको एक सेट में डाल दो, तो तुम्हें बताना है मैक्सिमम सेट का साइज क्या होगा, मैक्सिमम सेट का साइज क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम सेट का साइज। तो सेट में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना, डुप्लीकेट्स वो नहीं आते, सारे क्या होते हैं यूनिक होते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, अगर हमें मैक्सिमम सेट का साइज बताना है तो हमें डुप्लीकेट्स नहीं लेने होंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने होंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट डालेंगे तभी तो सेट का साइज बड़ा होगा। तो ये समझ लो तुम्हारी एक एरे ए है, ये तुम्हारी एरे बी है, तुम एन बाय टू रिमूव करना चाहते हो या फिर एन बाय टू सेट में इंसर्ट करना चाहते हो, बात तो सेम है ना, लाइक तुम एन बाई टू रिमूव करो और बाकी एन बाई टू सेट में डाल दो, या फिर एन बाई टू सीधा सेट में डालो, तो हम सीधा सेट में डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स पे गया और मैंने वो एलिमेंट तो डायरेक्ट डाल दिए जो कि बी में नहीं है, मतलब ये समझ लो ये एक एलिमेंट था ये बी में नहीं था,
ये एक एलिमेंट था, ये बी में नहीं था, ये एलिमेंट अगर बी में है तो हम इसको नहीं लेंगे। पहले हम सारे के सारे डिस्टिंक्ट डालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैंने ये डाल दिया, ये, तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स पॉसिबल थे ना वो मैंने सेट में डायरेक्ट डाल दिए, ऐसे समझो, उसको मैंने डायरेक्ट काउंट कर लिया। अब ये मैं डायरेक्ट अगर सेट में डालता हूँ, ठीक है, समझ लो ये जो एलिमेंट्स थे जो बी वाली में नहीं थे उनको मैंने डायरेक्ट सेट में डाल दिया, तो इनकी वैल्यू मैं चेक करूँगा कि एन बाय, मतलब जितने भी मैं ले रहा हूँ जो बी में नहीं है वो एन बाय टू तक ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, राइट। सिमिलरली मैं बी वाले सेट में गया, बी वाले एरे में गया और मैंने वो वाले सारे के सारे डिस्टिंक्ट उठा लिए जो कि ए में नहीं है, ठीक है, ए में नहीं है। और समझो यहाँ पे अगर दो तीन तीन चार चार ऐसे हैं तो मैं एक बार दो कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार तीन कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार चार कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं बी में गया, जब मैं बी में गया तो मैंने एन बाय टू एलिमेंट्स जो है, तो मैंने एन बाय टू एलिमेंट्स उठाने हैं यहाँ से, है ना, तो मैंने वो एलिमेंट्स उठा लिए जो डिस्टिंक्ट है और ए में नहीं है। तो अगर एन बाय टू से ज़्यादा होते हैं तो मैं केवल एन बाय टू ही उठाऊंगा, ठीक है, और मेरे को वो इंडिपेंडेंट है वो जितने भी नंबर्स हैं ए वाले से, क्योंकि दोनों मिस मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो मैंने वो वाले एलिमेंट्स उठा लिए जो कि ए में नहीं है। अब समझो कि तुम्हारे पास ये वाला जो ए में जो एलिमेंट्स आए वो एन बाय टू से कम है, बी में आए वो भी एन बाय टू से कम है, ठीक जो तुमने ए से उठा है बेसिकली, जो डिस्टिंक्ट और बी में नहीं है, और बी में से वो उठा है जो डिस्टिंक्ट है और जो ए में नहीं है। तो बाकी जितने नंबर्स बचे हुए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब समझो तुम्हारे कुछ ऐसे पेयर बचे हुए हैं, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, और ये सेम होंगे पक्का, राइट। अगर ये सेम, अब मतलब बेसिकली हम उन नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं जो कि सेम थे, ठीक है, जो हमने पहले नहीं उठाए थे। तो जब तुमने यूनिक एलिमेंट्स देखे तो तुमने आंसर यहाँ से, आंसर वन यहाँ से आया समझो, आंसर टू यहाँ से आया, और मैं ये मान रहा हूँ कि आंसर वन अगर एन बाय टू होता तो हम आंसर वन में, मतलब हम ए वाले में से, ए वाले जो एरे है उससे और एलिमेंट्स नहीं उठा पाते, है ना। अगर बी में एन बाय टू हो जाता तो उससे ज़्यादा नहीं उठाने दे। तो अब हमें क्या उठाने पड़ेंगे, अब हमें सिमिलर वाले ही उठाने पड़ेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आंसर वन की भी कुछ वैल्यू आई जो कि, और आंसर टू की कुछ वैल्यू आई, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब जैसे टू टू है, थ्री थ्री है, टू टू है, फोर फोर है, तो अगर तुम टू यहाँ से उठाते हो, ठीक है, तुमने समझो कि यहाँ से टू उठा लिया ए वाली एरे में से, ठीक है, तुमने थ्री यहां से उठा लिया, फिर तुमने फोर यहां से उठा लिया, ठीक है, तो तुम्हारे ये जितने सिमिलर वाले हैं ना, आप जितने भी सिमिलर वाले हैं तुम्हारे, जैसे टू थ्री फोर, अब इसमें डिस्टिंक्ट जो है ना, तुम कभी भी तुम देखा जाए तो जितने सिमिलर वाले हैं उतने ही अब तुम और उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते हो। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जितने भी सोचो हमारे सिमिलर वाले अब बचे हैं टू थ्री फोर, तो मैं एक बार टू उठाऊंगा, मैं एक बार थ्री उठाऊंगा, एक बार फोर उठाऊंगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो डिस्टिंक्ट उठाने के बाद हम कौन से उठाना स्टार्ट करेंगे, सिमिलर वाले, और जितने कवर हो सकते हैं हमारे हम उतने उठाने की कोशिश करेंगे। और ये कंडीशन चेक होनी चाहिए कि हर टाइम पे आंसर वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन बाय टू और आंसर टू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन बाय टू, ठीक है। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, मतलब उससे तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक मैप बना दिया, और मैप में हमने क्या कर दिया कि ये सेट मत देखना, ये मैंने फालतू ले लिया था उस टाइम पे। तो इसमें मैंने आंसर वन और आंसर टू ले लिए, ठीक है, आंसर वन जो मैं ए में से उठा रहा हूँ और आंसर टू जो मैं बी में से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का मैप बना लिया था मैंने, और मैंने चेक कर दिया अगर वो बी में नहीं है एलिमेंट तो मैं आंसर वन में सीधा डालूंगा, और यहाँ से मैं आंसर टू में अगर बी में देख रहा हूँ और ए में नहीं है। तो अब ये दोनों है ना मिनिमम करने हैं हमें, मतलब इनकी एन बाय टू से कम करने हैं ओवरऑल, राइट। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, इसको भी कंसिडर मत करना, ये भी फालतू की चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें जितनी भी सिमिलर वैल्यूज हैं उन पर आइटरेट मारना है,
और मैंने चेक कर दिया कि ये सिमिलर वैल्यू है, लाइक आई जो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ आई डॉट फर्स्ट, वो एम वन में भी है एम टू में भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैंने सिंपली क्या किया कि अगर मैं दोनों तरफ से उठा सकता हूँ, आंसर वन में से भी ये वैल्यू उठा सकता हूँ, आंसर टू में से भी। तो मैंने ये चेक किया कि अगर आंसर वन मतलब कि एन बाई टू से कम है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आंसर टू में डाल दूंगा। सॉरी, अगर आंसर वन एन बाई टू से कम है तो मैं आंसर वन में डाल दूंगा, ठीक है, वो वाली वैल्यू। आंसर टू मतलब आंसर टू में नहीं डालूंगा, राइट। मतलब उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो ओवरऑल मतलब अगर तुम सेट में डाल दोगे आंसर वन आंसर टू, एक तरीके से तुम दो सेट को समझो, ठीक है, जो कि ए से निकल के आ रहा है जो बी से निकल के आ रहा है। तो अगर मैं आंसर वन में डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं आंसर वन आंसर टू में डाल देता हूँ दोनों वैल्यूज़ को, तो तुम्हारा मतलब आंसर मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक में ही डालता हूँ, आंसर वन में डाल दिया अगर एन बाई टू से कम था। और अगर आंसर मतलब सोचो कि तुम्हारा आंसर वन रीच कर चुका है एन बाई टू पे, तो तुम आंसर टू वाले सेट में डालते जाओगे, ठीक है, जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं। और बाकी हो सकते हैं एंड तक तुम्हारा आंसर वन और आंसर टू एन बाई टू से कम ही बैठ जाए, लेकिन इससे तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो एंड में रिटर्न करना है तुम्हें आंसर वन प्लस आंसर टू, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा तुम खुद सोच के देखना, थोड़ा सा बताने में मेरे को भी थोड़ा सा वो हो रहा है, लाइक केस केस लेना और फिर तुम देखना कि लाइक कुछ सेम वैल्यूज और कुछ डिफरेंट वैल्यूज तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। ये वाली प्रॉब्लम है ना वैसे टफ बोलेंगे, ऐसे हार्ड बोलेंगे, लेकिन ये काफ़ी स्टैंडर्ड उस पर थी, लाइक काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड्स पे थी। लाइक अगर किसी ने कर रखे हो स्टैंडर्ड मेथड्स तो वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। तो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले है ना इस प्रॉब्लम को कुछ, ये प्रॉब्लम जो है कुल मिला के प्रॉब्लम पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेन। तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है और तुम्हें के गिवन है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे स्ट्रिंग ले लेते हैं ए सी सी ए, के की वैल्यू ले लेते हैं टू। तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स उठाना है सबसे पहले जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हों, टू तक ही हों, मतलब उससे कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, और वो चीज़ उठा के तुम सिंपली क्या कर दो, रिमूव कर दो और तुम आगे से चलने लग जाओ इसके आगे से। फिर यहाँ से तुमने कुछ रिमूव किया, सोचो फिर आगे मूव करो। तो ऐसे तुम्हें बताना है कि तुम्हारा जो आंसर है वो क्या आता है, मतलब रिमूव करते करते, मतलब तुमने डिस्टिंक्ट देखा यहाँ तक, दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं इनको हटाया, फिर मैक्सिमम मैक्सिमम देखना है तुम्हें, फिर यहाँ तक देखा कि इस मैक्सिमम लेंथ तक दो आ रहे हैं, उसको रिमूव कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम इस प्रॉब्लम में यह है कि तुम अपडेट्स भी मार सकते हो, है ना। जैसे कि पहले तो ए सी 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 ए की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आएंगे वो पूरा का पूरे लेंथ कवर हो जाएगी, तो आंसर कितना होगा उस केस में, वन। अगर तुम सोचो कि यहाँ पे बी डाल देते हैं, तुम अपडेट कर सकते हो एक पोजीशन पे कोई एक कैरेक्टर को, ठीक है, तुम यहाँ पे बी डाल देते हैं, तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट यहाँ से कितना आता, ए सी, क्योंकि यहाँ पे तुम आते तो तीन डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, फिर तुम्हारा लॉन्गेस्ट क्या होगा, बी सी, फिर तुम आगे जाते तो तीन हो जाते, फिर क्या आएगा, ए, तो इसका आंसर कितना होगा, थ्री। ठीक है, अब ये वाली चीज क्लियर हो गई है मैं ना। तो अब कुछ एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं आज कि क्या है। तुम्हें कभी भी बोला जाए कि किसी भी एक तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है, सोचो, ठीक है, और तुम्हें किसी भी रेंज से किसी भी रेंज में बोल दिया जाए कि तुम बताओ इस रेंज में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, तुमसे कोई ये बोल दे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, तो तुम कैसे निकालोगे, विद अपडेट्स पूछे तुमसे कोई, विद अपडेट्स। तुम बोलोगे कि लाइक मैं हर एक उस वाली रेंज पे जा सकता हूँ, सेट में डालते जाऊँगा, मतलब जैसे कि तुम्हें क्वेरीज काफ़ी सारी गिवेन है, अगर एक क्वेरी गिवेन हो तो तुम सिंपली क्या करोगे, एल टू आर सोचो तुम्हें निकालनी है, तो एल टू आर जाओगे, सेट में डाल दोगे वैल्यूज़ वो कैरेक्टर्स और तुम रिटर्न कर दोगे एंड में एस डॉट साइज,
लेकिन तुम्हें क्वेरीज गिवेन है सोचो 10^5 तक, अब कैसे करोगे? तो ओ ऑफ एन डायरेक्ट अप्रोच तो मार नहीं सकते तुम, तो इसमें काम आता है तुम्हारा सेगमेंट ट्री। ठीक है, अब सेगमेंट ट्री जो है ना बहुत डायरेक्टली यूज नहीं होता, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम सेगमेंट ट्री को। वो इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि ए को समझ लो तुम लिख लो 2^0, बी को तुम लिखो 2^1, सी को तुम लिखो, ये काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका है, लाइक कुछ नई चीज़ नहीं है ये, लाइक हो सकता है तुमने अब तक नहीं पढ़ी हो तो तुम्हारे लिए नई चीज़ हो, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट, कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको तुम बिट्स में कन्वर्ट कर दो और ऑपरेशंस लगाओ, डी को तुम 2^3 में कन्वर्ट कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सोचो तुम्हारे किसी एक, तुम्हें इस वाली सोचो एक किसी भी रेंज में ये कैरेक्टर्स हैं और इन सब का तुम क्या कर दो, और ये जो तुमने नंबर कन्वर्ट किया इन सब का कर दो और। ठीक है, तो 2^0 ये था, 2^1 ये था, ये 2^2, 2^2, तो तुम्हारी बिट्स किस टर्म में आएंगी? पहली 0 वाली बिट सेट हो गई, 1 वाली सेट हो गई, 2 वाली सेट हो गई। ठीक है, तो तुम्हें एंड में बस चेक करना है कि तुम्हारी कितनी बिट्स आती हैं, जितनी बिट्स आएंगे उतने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सोचो कि 2^3 होता तो एक और बिट जुड़ जाती, अब 2^2 दो बार आया तो वो केवल बिट, जब तुम और कर रहे होगे तो कितनी बार कंसीडर होगी, एक। तो उस वाली रेंज में तुम क्या कर सकते हो कि और निकालो, तो तुम्हें अगर डिस्टिंक्ट निकालने का तरीका आ गया डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, तो तुम इस वाली रेंज से इस वाली रेंज का क्या सिंपली निकालो और उसमें क्या चेक कर लो, उसमें चेक कर लो टोटल नंबर ऑफ बिट्स। और ये तुम किससे चेक कर सकते हो, सेगमेंट ट्री बना सकते हो, सेगमेंट ट्री से डायरेक्ट और चेक कर सकते हो तुम, राइट? और बिट्स कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता ही है, तो ये तरीका हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ये एक पहला पार्ट था जो कि क्वेश्चन में नेसेसरी था। अब मैं बात कर रहा हूं कि हम इस वाली प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सोचो तुम्हारी एक स्ट्रिंग है, तुम्हारे कुछ कैरेक्टर्स इस तरीके से हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, और सोचो मैंने इस स्ट्रिंग को जो है वो एक एरे में कन्वर्ट कर लिया है जिसमें जो हर कैरेक्टर है वो क्या है, 2^1 है, 1 AI, सॉरी एस गिवन है ना, मैं स्ट्रिंग SI-A। ठीक है, तो 2^ ये है, इतना समझ आया? तो इसको अगर मैंने 2^ ले लिया तो ये कुछ होगा 2^ समथिंग, ये कुछ 2^ समथिंग होगा, ये कुछ 2^ समथिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, अब जो तुम्हें अगर सोचो मेरे मेरे को अपडेट्स गिवन नहीं होते तो मैं सिंपल आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ पहले। अगर मेरे को अपडेट्स करना गिवन नहीं होते, लाइक मैं किसी भी पॉइंट पे अपडेट नहीं कर पाता, तो आंसर कैसे निकालता? तो मैं A1 पे जाता और मैं चेक करता कि जो मेरा K है, K डिस्टिंक्ट कैरेक्टर किस पॉइंट तक हो सकते हैं मैक्स। सोचो यहाँ तक हो रहे थे, A4 तक हो रहे थे, तो फिर मैं A5 से चेक करने लगता। सोचो ये 8, A9, A7 तक होते हैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से उठाना स्टार्ट करता, राइट? तभी मेरा आंसर मैक्सिमाइज होता, मतलब मैक्सिमाइज क्या, तब तो सिंगल ही आंसर होता हमारा ये वाला, तो आंसर उस वाले केस में होता 3, जैसे समझो 3 है। ओके, अब सोचो मेरे को अपडेट करना है, अगर मैं A3 पे है ना कैरेक्टर को चेंज कर रहा हूं तो फिर क्या सिचुएशन होगी? अगर तुम A3 पे अपडेट कर रहे हो तो हो सकता है जो तुम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर A3 तक चेक कर रहे थे, जो A4 तक आ रहा था पहले है ना, वो A3 तक ही, मतलब जैसे K जो है, ऐसे सोचो कि जो तुम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चेक कर रहे थे, तुम्हारा K इज इक्वल टू समथिंग था, और वो A4 पे जाके जो तुम्हारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे वो K तक पहुंच रहे थे, A5 पे आते ही K+1 हो रहे थे, K ही होते तो हम आगे और मूव करते, राइट?
तो अब ये वाली जो चीज है ना, तुम्हारे तुम्हारे जो शुरुआत वाले सेगमेंट समझो कुछ इस तरीके के बन रहे थे, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। तो अगर तुम किसी A3 में चेंज कर रहे हो, इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेंज कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा ये वाला जो उसके सोचो, अगर पीछे कुछ सेगमेंट्स होते हैं, क्या वो बिगड़ते हैं? क्या वो बिगड़ते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। इसके पीछे वाले जो सेगमेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं बिगड़ते। क्यों नहीं बिगड़ते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इससे, क्योंकि यहां तक सोचो सेगमेंट खत्म हो रहा है और यहां पे तुम कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब समझ लो कि A0, मतलब ऐसा होता नहीं है A-1, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं A-2 इस तरीके से है। तो ये कभी जो सेगमेंट्स हैं इनमें कुछ फर्क नहीं आ रहा होता, फर्क आएगा तो केवल यहां से आना स्टार्ट होगा सारे सेगमेंट्स में, राइट? इतना समझ आ रहा होगा तुम्हें। अब तुम सोचो कि इस वाले पे चेंज करने पे कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है हमारा सेगमेंट अब यहां से लेकर यहां तक पे ही खत्म हो जाए और यहां से एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो, ठीक है? मतलब A3 तक खत्म हो गया तुम्हारा और फिर तुम A4 से स्टार्ट हो, फिर यहां से कुछ खत्म हो रहा है, फिर A6 से स्टार्ट हो, कुछ ऐसे। सॉरी, ठीक है? तो इससे अब तुम्हारे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो क्या चेंज हो रहे होंगे? आगे के चेंज हो रहे होंगे, पीछे के कुछ चेंज नहीं हो रहे होंगे। इतना समझ आ गया? तो बस इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना। मैं शुरुआत में मेरे कुछ सेगमेंट्स पड़े हुए थे, सोचो मैं किसी भी इंडेक्स पे चेंज कर रहा हूँ, इस वाले इंडेक्स पे, किसी भी आई, ये एक आई पे चेंज कर रहा हूँ और वो इस वाले सेगमेंट में आता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये अब यहां से आगे जो है ना सेगमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे जाऊंगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पीछे वालों में कुछ चेंज हो नहीं रहे होंगे, और मैं देखूंगा कि अब अगर मैं यहां पे बिल्कुल इसके स्टार्टिंग से चेंज करता हूं तो मेरा मैक्सिमम सेगमेंट कहां तक आ सकता है, मतलब जहां तक के डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, और फिर वो मॉडिफाई होते चलेंगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे। तो यहाँ से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। स्टिल ये वाली जो अप्रोच होगी हमारी वो कैसे होगी? ऑफ एन में होगी, मतलब आगे की तरफ। हम सोचो मैं ओ ऑफ एन में तुम ब्रूट फोर्सली हर एक इंडेक्स पे जाओगे और तुम ओ ऑफ एन से चेंजेस स्टार्ट करने लग जाओगे, तो ये वाली चीज स्टिल ओ ऑफ एन स्क्वायर है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया इसके लिए, एक डीपी एरे बनाई, एक डीपी समझ लो। अब मैं डीपी बता दूं कि क्या है। A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो बिल्कुल एंड में, मैं हो सकता है, पता नहीं इसका मैं डिफिकल्ट तरीका बता रहा हूँ, काफ़ी इजी तरीका एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से किया था और मैंने अभी और लोगों का सॉल्यूशन देखा नहीं है। तो अगर तुम A7 पे खड़े हुए हो तो तुम्हारे कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं? ऐसे सोचो कि तुम अगर A7 पे बने से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे कितने सेगमेंट बन रहे होंगे? मैक्सिमम वन, एक ही सेगमेंट बन रहा होगा, राइट? अगर तुम A6 पे खड़े हुए हो और तुम्हारी K की वैल्यू जो है वो समझो 1 है, तो तुम A6 पे ही एंड हो जाओगे और तुम्हारा दूसरा सेगमेंट जो है वो ये आ जाएगा। तो 1+1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब A6 से लेकर A6 तक बिल्कुल एक ही डिस्टिंक्ट है, फिर A7 पे, A5 पे खड़े हो, और सोचो ये B है ये C है। अगर ये B और B होता तो हमारा आंसर क्या होता उस वाली केस में? 1 ही रहता है यहाँ पे। अगर तुम A5 हो और तुम सोचो B हो, तो B ये रहा, तो अब क्या होगा कि मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, तो एक सेगमेंट मेरा जो कवर होगा वो ये वाला होगा, और ये वाली चीज मैं क्या कर दूंगा इसमें ऐड। तो ये सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? मतलब है 2, लेकिन कंसीडर कैसे होगा? F1, क्योंकि एक सेगमेंट बनेगा और इसके आगे वाला जुड़ जाएगा, तो 1+1 2। यहाँ पे भी B होता तो ये वाला सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक बनता? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक इसमें जुड़ जाता तो कितना हो जाता? 2। यहाँ पे होता C, तो ये केवल एक लेंथ का होता, और ये वाले जितने सेगमेंट्स का आंसर होता ना वो डायरेक्ट ऐड होता, तो इसका आएगा 1। और ये सेगमेंट मेरे क्या होंगे? ये मेरे डायरेक्ट, मतलब इनका आंसर जो है हमें डायरेक्ट ऐड करना होगा बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है इससे। तो ये मैंने चेक किया था कि अगर A4 से सेगमेंट स्टार्ट होते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा? 2। तो 1+2 = कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं? 3।
अगर तुम A2 पे हो और वो C के बराबर ही है, तो उस वाले केस में क्या हो रहा होता? तुम्हारा सोचो ए सी है, ये सी है, तो सेगमेंट तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन रहा होता। तो एक सेगमेंट इस तरीके से, और इसके आगे वाले सेगमेंट जितने भी बन रहे होते हैं हमें वो उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं ये हमने कैलकुलेट कर रखा था, जो कि था 2। तो 1 + 2 कितना आएगा? 3। अगर ये डी है तो यहाँ पे सोचो तुम्हारे पास डी है तो कितना हो जाएगा? 1। एक तो ये खुद सेगमेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेगमेंट हैं और वो कितने हैं? 3। या बी एम, ये हम हर पॉइंट पे चेक करते जाएंगे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो कितने टोटल सेगमेंट्स बन सकते हैं। तो 1 + 3 = 4। तो ये मैंने एक डीपी एरे बनाई, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? एक डीपी एरे कि कितने तुम्हारे सेगमेंट्स बन सकते हैं अगर तुम किसी आई, तो ऐसे सोचो मैंने इसमें मेंटेन कर लिया कि मेरे कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं अगर मैं आई इंडेक्स पे खड़ा हूं तो, ठीक है। और मैंने यहां से स्टार्ट किया, सोचो यहां पे आ रहा है 1, यहां पे आ रहा है 1 2 2 3 3 3, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो टोटल 3 सेगमेंट, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक सेगमेंट, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक, यहाँ से दो, यहाँ से दो, इस तरीके से समझो, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर तुम किसी भी सेगमेंट पे आए ना, सोचो तुम्हारे कुछ इस तरीके के सेगमेंट थे, अगर तुम इस वाले सेगमेंट पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम इसका जो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से मतलब ये जो पिछले वाले सेगमेंट्स आ रहे होंगे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस ये पहले के जैसे ही बने रहेंगे। इस वाले अगर मैं इंडेक्स पे चेंज कर रहा हूँ और ये इस सेगमेंट में आता होगा तो उसका मैं पहला इंडेक्स उठाऊंगा और उस पर मैं अपडेट मारूंगा कि लाइक ये वाले अगर मैंने इंडेक्स को चेक किया तो मेरा अब कहाँ तक ये सेगमेंट खत्म होगा, क्योंकि सेगमेंट ऑब्वियसली चेंज होगा या तो सेम रहेगा। तो ये मैंने चेक किया कि सोचो मेरा जो सेगमेंट था वो यहाँ पे खत्म हो रहा था, अगर वो मेरा यहाँ पे सेगमेंट खत्म हो रहा था तो मैंने इसको पकड़ा, तो मैंने ये दो आंसर मतलब जो मेरा दो था वो तो मैंने रहने दिया, और मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था तो मैंने यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट तक देखा कि टोटल कितने सेगमेंट्स हैं। मतलब सोचो ये मेरा आई है और ये मेरा किसी एंड पे ख़त्म हो रहा है, तो मैंने N+1 से देखा कि कितने टोटल नंबर सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे सोचो दो सेगमेंट आए, यहाँ पे हमारा कितना आया? ये एक सेगमेंट, एक नया सेगमेंट बना, और उसके N+1 से जस्ट आगे जितने भी सेगमेंट आते होंगे वो हम किस पे चेक कर रहे होंगे? DP of N+1 से चेक कर लेंगे, इसलिए मैंने DPRA बनाई। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब सोचो तुम अपडेट करते और तुम्हारा जो है वो आई इंडेक्स पे तुम चेंज कर रहे हो और वो तुम्हारा आई पे आ जाता है, क्या आई, ये हमने चेक किया कि आई के बाद आता है एक, तो क्या आई से पहले आ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो मतलब कि सॉरी एक चीज गलत बोल दी मैंने, मतलब जो तुम्हारा एंड है अब वो क्या हो सकता है? वो I-1, नॉट एग्जैक्टली आई। चलो एक बार और बताता हूं मैं, जो तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, सोचो आई वाले इंडेक्स पे चेंज किया तो इस वाले सेगमेंट की स्टार्टिंग यहाँ पे थी, तो हमने देखा कि आई के बाद एंड हो रहा है तुम्हारा, जिस इंडेक्स पे तुमने चेंज किया उसके बाद एक नया पॉइंट आया एंड, तुमने यहाँ तक का सेगमेंट लिया और N+1 से नया दूसरा सेगमेंट उठा लिया, सॉरी दूसरा सेगमेंट नहीं उठाया, तुमने टोटल सेगमेंट्स काउंट किए कि N+1 से कितने सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं और उनको तुमने एंड वो ऐड कर दिया। अब सोचो तुम यहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं और जो तुम्हारा एंड हो रहा है ना वो I-1 पे अगर हो रहा होता, सोचो एक बार, मतलब कि तुमने चेंजेस मारे आई इंडेक्स पे, लेकिन अब जो तुम्हारा ये स्टार्ट वाला ये वाला जो एक सेगमेंट है जिसको मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरा I-1 तक मैं अब खत्म हो जाता, मतलब डिस्टिंक्ट इतने से ही आते आई पे चेंज हो जाते। तो इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होता? तो पहले के मैं दो उठाऊंगा सेगमेंट, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, स्टार्ट से I-1 एक सेगमेंट आएगा। एक हमें अब आई से भी कैलकुलेट करना होगा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अपडेट हो रहे होंगे वो आई पे भी चेंजेस हो रहे होंगे, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से भी चेंज आ रहा होगा। तुम्हारा पहले तुम डायरेक्ट नहीं उठा सकते हो यहाँ से DP of I, अगर तुम DP of I उठाओगे तो वो तुम्हारी पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग देगा, लेकिन तुमने आई पे अब चेंज कर रखी है तो तुम एक नया सेगमेंट यहां से भी चेक करोगे कि आई से कहां तक तुम मैक्सिमम सेगमेंट पे जा रहे हो और
आई से तुम मैक्सिमम किस सेगमेंट मतलब आई से तुम मैक्सिमम कितना उठा सकते हो कि एक सेगमेंट बने जिसमें मैक्सिमम डिस्टिंग कैरेक्टर्स के हों। तुमने वो वाला पॉइंट निकाला एंड, और फिर तुम एंड प्लस वन से कि फिर डी पी कैलकुलेट कर लोगे, तो इससे तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले से दो, स्टार्ट से आई प्लस वन एक, और तुम्हारा आई से एक और एंड आएगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, उसको तुमने एक और उठाया तो वन दो पहले के, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, और एक तुम क्या कैसे चेक कर रहे हो, डी पी ऑफ एंड प्लस वन, तुमने डी पी कैलकुलेट कर रखी होते और तुम डी पी ऑफ एंड प्लस वन से चेक कर रहे होगे। अब ये वाली चीज़ मैंने डायरेक्ट डी पी ऑफ आई मैंने तुमको बताया क्यों मैंने कैलकुलेट नहीं करी होंगी, क्योंकि आई इंडेक्स में हमने चेंजेस मारे हैं, तो उस चक्कर में ये वाली चीज़ जो है वो चेंज हो गई होगी, ठीक है। और एंड प्लस वन पे हम क्या उठाएंगे, एंड प्लस वन की मैं कुछ चेंजेस नहीं आ रहे होंगे जिस जो उसकी डी पी है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, सोचो एंड से इसके सफिक्स में कितने सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि सेगमेंट अगर मैं कहीं से स्टार्ट करता हूँ तो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं ओ ऑफ वन या फिर ओ ऑफ लॉग एन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि, तो फिर हम हर एक इंडेक्स पे जा सकते हैं, किसी भी वैल्यू पे चेंज कर सकते हैं, और तो वो वाली चीज़ लेगी n इंटू 26। और अब हमें चेक करना है कि ये वाला सेगमेंट हम किसी तरीके से ऑफ वन या फिर ऑफ लॉग एन में पता लगा लें, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा सेगमेंट कहाँ तक जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि तुम यहाँ पर क्या लगा सकते हो, बाइनरी सर्च, तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वाली रेंज तक का तुम क्या लो, पूरा का पूरा और, और तुम्हें और में अगर तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के है तो तुम आगे तक की तरफ मूव करो, अगर वो तुम्हारी ग्रेटर देन के है तो तुम पीछे की तरफ मूव करो, और तुम्हें लास्ट वाला पॉइंट निकालना है, लास्ट वाला कि जिस पे टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी वो के से कम हो, तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। और ये वाली चीज में तुम कैसे कर सकते हो कि लाइक इस वाली रेंज से इस वाली रेंज तक का और सेगमेंट ट्रीज की हेल्प से, सेगमेंट ट्रीज, ठीक है, सेगमेंट ट्री की हेल्प से वो चीज तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाने में और समझने में भी, लेकिन मतलब एक बार समझ आ गया तो आई थिंक काफी ईजी होगा तुम्हारे लिए भी। तो बीच में वीडियो पॉज हो गई थी तो इस वजह से मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का कोड दिखा रहा था, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ये एक सेगमेंट ट्री है, ठीक है, सेगमेंट ट्री है जिसमें मैं रेंज में कैलकुलेट, अब मैं मतलब ये वाला मेरा एक टेम्पलेट है तो इसमें मैं क्या करूँगा, उस वाली मतलब किसी भी रेंज का मैं और कैलकुलेट कर लूँगा इसमें से, ठीक है, बस ये काम कर रहा है सेगमेंट ट्री और कुछ नहीं कर रहा, तो रेंज का और कैलकुलेट करने में और अपडेट करने में काम में आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले एक नया मैंने वेक्टर बना दिया, किसका बनाया, मैंने वैल्यूज़ का वेक्टर बनाया जिसमें मैंने सबको 2 की पावर समथिंग रख दिया, मैंने सेगमेंट ट्री बनाया, ठीक है, तो मैंने सेगमेंट ट्री को इस वाली 2 की पावर पे बिल्ड कर दिया, मतलब उस वाले वेक्टर पे, और मैंने क्या किया, एक नए सेगमेंट्स बनाए, जो मैं सेगमेंट्स की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैंने वो सेगमेंट्स बनाए, मैंने वो सेगमेंट्स बेसिकली डालना स्टार्ट कर दिए सेक्स में। तो जब मैं सेक्स को देखता हूँ, जो सेगमेंट्स हैं मेरे, तो अगर सोचो मैं 0 वाले इंडेक्स पर खड़ा हूँ और मेरा है ना यहाँ तक सेगमेंट एंड हो रहा है कि यहाँ तक लेस देन इक्वल्स टू के डिस्टिंक्ट है, इसके आगे मेरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं इस वाले पॉइंट तक को कंसिडर करूँगा, इसको एक सेगमेंट मानूंगा, और मैं क्या कर दूंगा इसके आगे के फिर मैं डालना स्टार्ट करूंगा सिंपली, ठीक है, इसको एक सेगमेंट को डायरेक्टली डाल दूंगा, और मेरे को अब इसके आगे कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है एंड प्लस वन से, तो बस ही मैं यहाँ पे सेगमेंट्स यही पुश कर रहा हूँ, ठीक है, आई से मैंने डिसेंट राइट, डिसेंट राइट क्या है, डिसेंट राइट जो मैं तुमको बता रहा था थोड़ी देर पहले, एट द एंड ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, बाइनरी सर्च लगा रहा है और चेक कर रहा है कि कहाँ तक मेरे जो और की बिट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू के हैं, तो बाइनरी सर्च तुम भी लगा सकते हो और चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे जो बिट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू के हैं कि नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया। अब तो ये मैंने सेगमेंट्स में डाल दिया, मैंने सेक्स फर्स्ट में डाल दिया तुम्हारा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स है, और जो मैं थोड़ी देर पहले डीपी की बात कर रहा था यहाँ पे मैंने डीपी कैलकुलेट कर ली, मतलब अगर सोचो तुम किसी आई इंडेक्स पे हो, तुम यहाँ तक तुम्हारा सेगमेंट एंड हो रहा है तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि एक सेगमेंट ही है, प्लस में जहाँ पे एंड हो रहा हो प्लस 1, तो मैंने डिसेंट राइट से कैलकुलेट कर रखा था तो मैंने प्लस इन कर दिया, ठीक है,
इसको इग्नोर करना। मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक इंडेक्स पे जाता हूँ और हर एक वैल्यू को चेंज करता हूँ सिंपली, ठीक है। तो मैं हर एक इंडेक्स पे जाके हर एक जो वैल्यूज़ है उस पर, मतलब ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 26 हो गए ना तुम्हारे, तो उस पर मैं अपडेट करता हूँ और चेक करता हूँ मेरे आंसर में क्या चेंज आएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो मैंने मैं अगर आई पे चेंज कर रहा हूँ तो मैंने बोला सेगमेंट फाइंड किया और वो मैंने स्टोर कर लिया इंडेक्स में, ठीक है। अपर बाउंड, सिंपली अपर बाउंड लोअर बाउंड से चेक किया है वो। और ये जो मेरे पास सेगमेंट आया इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके जितने पीछे सेगमेंट्स हो रहे होंगे उनमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, तो आंसर इज इक्वल टू इंडेक्स कर दिया। मतलब सोचो ये 2 इंडेक्स पे आ रहा था ये सेगमेंट, और ये 0 है ये 1 है, तो एक सेगमेंट ये रहा एक सेगमेंट ये रहा 0 1 वाले, तो कितने हो जाएंगे वो 2। तो 2 सेगमेंट इसके पीछे हैं, तो उसमें डायरेक्ट मैंने आंसर में 2 कर दिया। आई पे मैंने अपडेट मारा और जहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा है मेरा सेगमेंट, अब मैंने वहाँ से चेक किया कि कहाँ तक मेरा जो है सेगमेंट मतलब बनेगा। जहाँ तक मेरा सेगमेंट है वो मैंने डिसेंट राइट में से कैलकुलेट कर दिया और उसको मैंने आगे स्टोर कर दिया कि मतलब कहाँ से मेरा नया सेगमेंट अब जो है यहाँ तक मेरा एंड हो रहा होगा, आगे में स्टोर है, आगे में स्टोर है कि मेरा अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। अगर मेरा आई से है तो एंड हो रहा होगा आगे -1 पे ऐसे समझो, और आगे से तुम्हारा एक नए सेगमेंट्स बन रहे होंगे। तो जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, सोचो अगर तुम्हारा आगे वाला जो है वो आई पे ही आ जाता है तो फिर तुम्हें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा डीपी से कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि वो वैल्यू चेंज हुई है। तो वहाँ से तुम फिर से कैलकुलेट करोगे डिसेंट राइट से, तो एक सेगमेंट ये हो रहा आ गया जो आगे -1 तक आ गया, एक मतलब आई -1 तक एक आई से आगे जो सेगमेंट आया, और जब आई वाला एंड हो रहा होगा उसके आगे जितने भी सेगमेंट्स से, वो मैंने डीपी से कैलकुलेट करके बस आंसर में प्लस कर दूंगा। और 2 कहाँ से होंगे, 0 से लेकर i-1 से, i-1 से लेकर in तक, in-1 तक। और अगर तुम्हारा ये आई से बाद में आ रहा होता तो तुम्हारे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे होते, तुम लाइक उसके आगे वाले सेगमेंट जो हैं वो डायरेक्ट डीपी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम्हारा एक जो सेगमेंट है वो स्टार्ट से लेकर, सोचो तुम्हारा यहाँ तक आ गया आगे -1 तक, और आगे से लेकर तुम्हारे जितने भी है वो तुम डीपी से कैलकुलेट कर लोगे। और ये हमने बाद में सेगमेंट्री में अपडेट कर दिया, मतलब जो तुमने चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट बैक कर दिया सिंपली, ठीक है। दैट्स इट, आई थिंक वीडियो ठीक लगी होगी। अगर नहीं समझ आई हो कोई भी चीज़ तो बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, या फिर कमेंट्स में डाउट लिख देना, उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा। ओके देन, थैंक्स, बाय बाय।